मुझे पता है अभी आप लोग कैसा फील कर रहे हो। भैया भाई, आपने एक USB अब ले लिया, एक OTG केबल ले लिया, एक कीबोर्ड ले लिया, एक माउस ले लिया, और आप लोग इतना ज्यादा खर्चा कर चुके और आपका राइट लेके वर्क नहीं कर रहा। भटक गए, लटक गए, भटक गए। तो घबराओ मत, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने भी कुछ यूट्यूबर्स का वीडियो देख लिया था और फिर मैंने भी ऐसे करा था, लेकिन वो यूट्यूबर्स बताते नहीं है कि उनका राइट क्लिक वर्क नहीं कर रहा। बट मैंने आपको पहले से ही बता दिया था काम कर रहे, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि आपका राइट क्लिक 70% लोगों का राइट क्लिक तो वर्क ही नहीं करेगा। मतलब कि आप लोग अटैक तो कर पाओगे लेकिन ब्लॉक्स को प्लेस नहीं कर पाओगे, एंड ये प्रॉब्लम सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। मेरे को भी कुछ 1 या 2 महीने लग गए इसका सॉल्यूशन निकालने में। अभी मेरा राइट क्लिक वर्क कर रहा है, एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं राइट क्लिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो अगर इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स हो जाते तो फिर मैं बना दूंगा, या फिर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं बना दूंगा। तो इस वैसे तो उस वीडियो पर 100 लाइक्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, बट आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। एंड गाइस, लिटरली ये पूरी यूट्यूब पर पहला वीडियो जिसके अंदर मैं आपको एकदम लेजिट तरीका बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे राइट क्लिक को यूज़ कर सकते हो अपने माइनक्राफ्ट एडिशन के अंदर विदाउट एनी फेक एप्स। एंड जितने भी वीडियोस यूट्यूब पर हैं अभी राइट क्लिक के बारे में, वो सारे के सारे फेक है, क्योंकि पहले भी मैं सारे के सारे देख चुका था बट कोई भी वर्क नहीं करता। इसलिए मैंने लिटरली 1 या 2 महीने तक बैठ के इस सॉल्यूशन को ढूंढा है, एंड इस वीडियो के अंदर काफी ज्यादा मेहनत लगने वाली है। एंड ये जब तक ये वीडियो खत्म होगा तब तक मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग पहले से काफी ज्यादा खुश होने वाले हो, तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब भी कर ही दो। तब तक तो कर ही दिया होगा, एंड लेट्स बिगिन। और अभी बातें करते करते रात हो चुकी है, तो सीधा आप लोगों को चले आपने एस्केप बटन के अंदर, फिर सेटिंग्स के अंदर। एंड आप लोगों ने अगर यूट्यूबर्स के वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पर आपने कीबोर्ड एंड माउस के अंदर बटन 2 यहाँ पर आ ही नहीं रहा होगा, एंड वहाँ पर आपने R या H कुछ भी सेव कर रखा होगा, बट यहाँ पर देख सकते हो मेरा बटन 2 यहाँ पर आ जा रहा है। सबसे पहली चीज़ तो अगर आपने यहाँ पर R वगैरह कुछ भी सेट कर रखा है तो प्लीज़ उसको वहाँ से हटा देना, नीचे डिलीट का बटन होता है उसको ऐसे हटा देना। पहली चीज़ तो ये हो गई, एंड दूसरी चीज़ तो गई अगर आपने कोई भी फेक वीडियो देख करके फेक ऐप डाउनलोड कर लिया जैसे कि टूल बॉक्स वगैरह, तो उसको तुरंत ही डिलीट कर देना, क्योंकि उसका अगर उसका इस्तेमाल करके आप लोग PvP करोगे तो आपको बैन भी मिल सकता है। अभी आपको 2 चीज़ें करनी है, पहले तो उस ऐप को डिलीट करना है, दूसरी चीज़ अगर आपने R वगैरह कुछ सेट कर रखा है उसको भी डिलीट कर देना। अभी अपन को माइनक्राफ्ट को एग्जिट कर देना है, एंड देना अपनी फोन की सेटिंग्स के अंदर। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपनी सेटिंग्स के अंदर, एंड अभी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी OTG केबल को कनेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे अपनी OTG केबल को कनेक्ट कर चुका हूँ, एंड अभी अपने यहाँ पे सर्च कर रहे थे OTG, एंड OTG कनेक्शन में जाके इससे अपन को ऑन करना है तो अपने माउस एंड कीबोर्ड कनेक्ट हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हो मेरा माउस एंड कीबोर्ड यहाँ पर आ चुका है, एंड अभी अपन को चले जाना है पीछे, और फिर और पीछे चले जाना है अपन को अभी काफ़ी सारा पीछे आना पड़ेगा। फिर अभी गाइस अपन को ढूंढना है अबाउट फोन का ऑप्शन, तो मेरे यहाँ पर एकदम सबसे नीचे आता है, आपके फ़ोन के अंदर कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन ये ऑप्शन सारे फोन्स के अंदर होगा, बस गलत जगह पर होगा, दूसरी जगह पर होगा। फिर अपन को यहाँ पर आ जाना है, एंड बिल नंबर के ऊपर 7 टाइम्स टैप कर लेना है, जिससे अपन बन जाएंगे एक डेवलपर। एंड अब गाइस आपको डेवलपर मोड को परमानेंटली ऑन ही रखना है, आप इसे ऑफ मत कर देना सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, क्योंकि गाइस इसी चीज़ की वजह से अपना राइट क्लिक वर्क करने वाला है। तो अपन को जाना है अपने डेवलपर सेटिंग्स के अंदर, मेरे यहाँ पर डेवलपर ऑप्शंस आ चुका है यहाँ पर, एंड सैमसंग के फोन के अंदर थोड़ा सा नीचे आएगा, मैंने चेक करा है। एंड वैसे तो ये सारे फोन के अंदर आएगा, बट अभी मेरा फोन है रियलमी का, एंड आई गेस रेडमी का भी सेम टू सेम ही होगा। तो अभी अपन को चल जाना है नीचे, एंड इस प्रोसेस को मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस ये वाला काफ़ी ज़्यादा अपन को नीचे तक जाना पड़ेगा, एंड फिर वो मिक्स हो जाएगा तो अपन को पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ तक चला गया था मैं। तो अभी अपन को थोड़ा और नीचे तक जाते रहना, अपन को ढूंढना है ड्राइंग का ऑप्शन। तो अभी ड्राइंग का ऑप्शन बस आने वाला होगा, तब तक अपन को नीचे चलते जाना है, एंड यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, बट आप गलती से भी किसी को ऑन कर देना है नहीं तो फिर आपके प्रॉब्लम्स हो सकती है। एंड यहाँ पर आप बना चुके हैं ड्राइंग्स के अंदर, एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है स्मॉलेस्ट विड्थ का, तो ये आपके रैंडमली कुछ भी सेट हो सकती है जिस हिसाब से आप लोग अपने टेक्स्ट को यूज़ कर रहे होगे। तो ऐसे इसे अपन को रिप्लेस कर देना है 600 के साथ, तो गाइस इससे आपकी स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाएगी, काफ़ी सारी चीज़ें अपन को एक साथ देखने लग जाएगी, एंड अपना माउस पॉइंटर जो अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो अपन को एक बार OTG केबल को रिमूव करना पड़ेगा, एंड देन उससे फिर से इंसर्ट करना पड़ेगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं अभी मेरा माउस एकदम छोटा हो चुका है, एंड आपको कुछ भी क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, तो मैं अपनी स्क्रीन थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो गाइस आपका माउस पॉइंटर जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था तो उससे काफ़ी सारे ग्लिचेस होते रहते हैं, बट अगर आपका माउस पॉइंटर छोटा रहेगा तो उससे कोई भी ग्लिचेस नहीं होंगे। तो गाइस यहाँ पर अपन को पहला ऑप्शन मिल चुका है जिसका नाम है ऑलवेज शो क्रैश डायलॉग, इसे आपको ऑन कर देना है, एंड अभी अपन को थोड़ा सा ऑन ही जाना है। फिर अपन को एक और ऑप्शन मिल जाएगा जिसका नाम है डिसेबल परमिशन मॉनिटर, इस ऑप्शन को भी अपन को ऑन कर देना है। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों ऑप्शन को ऑन करना, अगर आपका इन दोनों के अलावा कोई भी ऑप्शन ऑन है तो उसे ऑफ कर देना, और अब आप लोग अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर जाकर के चेक कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी होगी। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, माकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।